हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था एक मोस्ट अफोर्डेबल डाइट प्लान मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर पीसीओडी। एंड जो जो लोगों को पीसीओडी का मेजर प्रॉब्लम है, जो जो लोग बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है और जो बहुत ही अफोर्डेबल डाइट प्लान चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने प्रियंका का ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा स्टोरी पोस्ट किया था, क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस करते हैं इफ़ वी आर ओवरवेट। नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर एक डाइट प्लान के बारे में, जो जो जिस जिस तरीके की चीज़ें, जिस जिस तरीके के ड्रिंक्स उनको मैंने दी हैं, किस किस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर मैंने उनको पुदीने की मसाला चाय दी थी, मसाला टी। अब जो ये टी है ये कैसे बनानी है चलते हैं किचन में। हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक और ये है पुदीना की चाय, पुदीना मसाला चाय। बट ये जो हमारी टी है ये सबसे अच्छा वर्क करेगी आपके बलून जैसे टमी पे, और जिन जिन के पीरियड्स जो हैं वो पेनफुल हैं या फिर ड्रॉप ड्रॉप आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, उनके लिए टी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैंने लिया है पुदीने के पत्ते। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है दो इलायची, एक दो। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास लौंग, 3 से 4 लौंग मैंने इसमें डाल दिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है फेनल सीड्स, चुटकी भर मैंने फेनल सीड डाल दी। और अब हम इन सबको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक ये हाफ कप हो जाएगी। ओके, हमारी टी, इसके अंदर मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले हैं। एंड ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक, रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये जो टी थी इसकी हेल्प से आपका स्वेलिंग कम होगा, आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, आपके पीरियड्स आने में आपको जो पेन होता है वो पेन आप फील नहीं करोगे। एंड अनदर पार्ट इज आपका स्वेलिंग जो है, ब्लोट जो कर जाता है टमी, उसको उससे आपको राहत मिलेगी। बट इसके साथ साथ मैंने उन्हें ये कुछ कुछ वीक्स में दिया था, इसके अलावा मैंने उन्हें सोक्ड किए हुए सीड्स के वाटर दिए थे। समटाइम्स मैंने उन्हें चिया सीड दिया था सोक किया हुआ, समटाइम्स मैंने क्यूमन सीड, जीरा दिया था, अजवाइन दिया था, तेज पत्ता दिया था, ब्लैक इलायची दी थी, लौंग दिया था, एलोवेरा जूस दिया था। इन सबको कभी ना कभी ऊपर नीचे करके मैंने पर वीक उनको दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे हमारा दलिया, एंड बहुत ही सिंपल सा, बहुत सारी सब्जियों के साथ बना हुआ दलिया। नाउ दलिया कैसे बनाना है या मिलेट्स कैसे बनानी है चलते किचन में। बात है ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं दलिया। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास चॉप करने का टाइम नहीं होता वेजिटेबल्स, तो मैंने एक चॉपर मंगाया था बड़ा अच्छा सा। इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, गाजर, सब इकट्ठे ही मैं डाल रही हूँ। मेरे बीन्स, अनियन, सब मैंने इकट्ठा ही डाल दिया। एंड अब इसको हम पैक करेंगे। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर आप देखो तो मेरी सारी सब्जियाँ यहाँ पे इस तरीके से चॉप कर लूँगी मैं फटाफट। तो ये हमारी सब्जियाँ फटाफट चॉप हो गई हैं। अब हम बनाते हैं दलिया। यहाँ पे मेरे पास है मिलेट्स, आप कोई भी मिलेट्स, मल्टीग्रेन दलिया, बट वीट का दलिया नहीं होना चाहिए, वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मेरी आधी कटोरी जितना मिलेट्स। अब इसको हम वॉश करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट ये रहे मिलेट्स, मिलेट्स डाले मैंने यहाँ पर, ये डाल दिया मैंने पानी। हम इसको खूब अच्छे से पहले वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मेरा कुकर रेडी है, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल। ओके, जैसे हमारा कुकर गर्म होगा, जीरा, नेक्स्ट मेरी चॉप की हुई सब्जियाँ, इसके अंदर मैं डाल दूँ पानी। हमने डाला है 2 कटोरी जितना पानी इसमें। अब इसमें हम डाल रहे हैं पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, नेक्स्ट भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सब को हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास मिलेट्स, अब हम डालेंगे इसमें मिलेट्स, इसको अब हम डालेंगे इस तरीके से।
ओके अब इसको हम विसल लगाएंगे तेज आंच पे, दो विसल, सिम आंच पे तीन विसल. सो हियर वी गो, हमारे मिलेट्स बिल्कुल रेडी हैं, गरम गरम एकदम. वेलकम बैक जी. जिन जिन लोगों को मिलेट्स और दलिया खाने का मन नहीं है कि जी हम नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ पराठास की रेसिपी डाली हुई है, स्टफ़ रोटीज़ की रेसिपी डाली हुई है. इनमें से कोई भी स्टफ़ रोटी आप पिक कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट के अंदर ऐड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको मॉर्निंग में चाय पीने की एडिक्शन है कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, मेक श्योर आप सिर्फ आलमंड मिल्क, ओट मिल्क या वॉलनट मिल्क मार्केट में आ गया है, प्लीज़ उसे ट्राई करना. आप इसी तरीके के मिल्क जो हैं डेयरी फ्री मिल्क जो हैं वो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, अगर आपको पराठा भी नहीं खाना, दलिया भी नहीं खाना, मिलक्स भी नहीं खाना, किनुआ भी नहीं खाना, देन वॉट इज़ नेक्स्ट? आपको सैंडविचेस, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके की मल्टीग्रेन ब्रेड मिल रही है, आप सैंडविच बना के खा सकते हैं. नाउ सैंडविचेस जो आप बनाएंगे वो फोर ब्रेड्स के टू सैंडविच बनेंगे. मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ सैंडविच की रेसिपीज़ है, आप कोई भी पिक कर सकते हैं एंड उसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, चलते हैं किचन. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आपके पास लोकली मिल रहा है, इस समय जामुन आ रहे हैं, सो जामुन प्लीज़ हैंडफुल ऑफ जामुन. अदरवाइज हमारे पास मस्क मेलन होता है इस सीज़न में, वाटरमेलन एंड मैंगो, हाफ मैंगो हम ले सकते हैं. सो एनी सीजनल फ्रूट जो भी आपके पास उस समय लोकली मिल रहा है आप वो वाला फ्रूट अपने लिए ले सकते हैं. अब हम मूव करते हैं लंच की तरफ. नाउ लंच में हमें क्या क्या लेना है, लंच में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप बताती हूँ. कच्चा आम, रॉ मैंगो मार्केट में आ रहा है एंड उसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए. अगर आपको खट्टे से प्रॉब्लम नहीं है, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मेरी खट्टी मूंगे की दाल. सो ये दाल कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारी खट्टी मूंगे की दाल. कभी कभार ऐसा सिचुएशन हमारे साथ बैठ जाता है जब हमको कुछ भी नहीं खाना, हमारा स्टमक अपसेट है या फिर हमारा खाने का मूड नहीं है. ऐसे सिचुएशन में हम बनाएंगे ये वाली दाल, खट्टी दाल हमारी मूंगे की. यहाँ पे मैंने डाला है हमारा तेल, कुकर मेरा हो गया बहुत ज़्यादा गर्म, गैस को कर दिया हमने सिम. सबसे पहले डाल दी हमने प्याज एंड अब हम डालेंगे हमारा जीरा, थोड़ा सा मेरा हिंग का पाउडर. खूब अच्छे से हम इन सबको मिला देंगे. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है बॉईल की हुई कच्ची अंबी, ये हमारा कच्चा आम, इसको हम 3 से 4 स्लाइसेस इसमें डाल देंगे. यहाँ पे मेरे पास है वॉश की हुई मेरी मूंगे की दाल, तो खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, भुना हुआ धनिया का पाउडर और अच्छे से हम इसको सबको मिक्स करेंगे. विसल लगवाएंगे दो, एक तेज आंच पे और ये दाल बहुत जल्दी कुक हो जाती है, और एक सिम आंच पर. सो हियर वी गो, ये यम्मीएस्ट दाल है जो मैंने कभी अपनी लाइफ में खाई थी एंड मैं इसको हर तीसरे चौथे दिन डाइट में ऐड करती ही करती हूँ. वेलकम बैक जी. अब हम बात करते हैं जिनको ये दाल खाने का मन नहीं है उसको हटा दीजिए, हम नहीं खा रहे दाल. नाउ इसके अलावा हम अपनी डाइट में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर लंच. प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है जब भी हम PCOD का डाइट करें या किसी भी चीज़ का, कोई भी हम वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हो तो वो अलग कहानी है. बट अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे, पूरे दिन की जो आपकी प्रोटीन की मात्रा है वो बॉडी के अंदर फुलफिल होनी चाहिए. यहाँ पे अगर आपको ये वाली हमारी खट्टी दाल पसंद नहीं आई है तब हम इसके अलावा ब्लैक चने की चाट खा सकते हैं, वाइट चना की टिक्की खा सकते हैं. मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ मैंने दाल्स की टिक्कीज़ बना रखी हैं, कटलेट बना रखे हैं. इनमें से कोई से भी कटलेट, 2 to 4 कटलेट्स आप पिक कर सकते हैं एंड ले सकते हैं. अगर आपको ये भी खाने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारे दाल के चीलेज़ की रेसिपी है, आप कोई भी चीला पिक करेंगे एंड हम वो बनाएंगे और हम खाएंगे जस्ट 1 चीला. नेक्स्ट मूव करते हैं इवनिंग टी में.
नाउ इवनिंग की टी में मैंने उन्हें वेराइटीज़ ऑफ पील की टी दी थी. आपने मेरे चैनल पे देखा होगा मैं काफ़ी टाइम से पील्स की टी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और सबको बता भी रही हूँ कि वो लेना है. उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पेशली और इंच लॉस. और इवनिंग का जैसे जैसे दिन ढल रहा है आपको स्वेलिंग और ब्लोट बढ़ता चला जाएगा, या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए, या आपका यूरिन अच्छे से आज पूरे दिन का फ्लश ऑफ नहीं हुआ, या फिर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हुआ है, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई है स्टिल पील टी जो है आपके इंच लॉस पर मैसिव वर्क करती है. नाउ मैंने बहुत सारी पील टीज पिलाई हैं प्रियंका को, जैसे कि पाइनएप्पल पील टी हो गया, हमारा जिंजर का पील हो गया, लेमन का पील हो गया, हमारा मौसम्बी का पील हो गया, अनार का पील का टी हो गया, जिन जिन लोगों को हेयर फॉल मैसिव होता है. सो हम बनाएंगे मौसम्बी की पील टी, बहुत बार मैंने बनाया है, चलते हैं किचन में. नेक्स्ट इज हम बना रहे पील टी. मैंने बहुत बार आपको बताया मौसम्बी का पील एंड हमारे फेनल सीड्स. अब हम इसको बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे विद मखाना. यस, इट्स रेडी. वेलकम बैक जी. सो अब हम बात करेंगे डिनर की. नाउ डिनर में अगर वहाँ पे बारिशों का मौसम है, बारिश ऑन ऑफ हो रही है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, सूप हर टाइम ऑल टाइम फेवरेट होते हैं. मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ सूप की रेसिपीज़ हैं, आप कोई भी सूप पिक कर सकते हैं डिनर में. मेक श्योर आप उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालें अगर आपको बीपी लो का प्रॉब्लम है, बट अगर आप डिनर में सॉल्ट अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा. अगर आपको सूप पीने का मन नहीं है देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, मेरे चैनल पे मैंने वेराइटीज़ ऑफ केक्स डाल रखे हैं. राखी केक हो गया, मल्टीग्रेन केक हो गया, हमारे इडलीज हो गई छोटी छोटी, आप इनमें से कोई भी केक पिक कर सकते हैं एंड वो खाएंगे. 2 से 4 केक आप ले सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मान लो आपको बिल्कुल भी इनमें से खाने का मन नहीं है, बहुत तेज़ी का भूख लगा है, पनीर टिक्का मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, दाल घिया दाल पेठा मैंने अपने चैनल पे रेसिपीज़ डाली हुई है, पनीर से रिलेटेड बतेरी रेसिपीज़ मैंने डाली हुई है, मखाना पनीर की भी रेसिपी डाली हुई है. मेक श्योर आप लोग टोफू का पनीर यूज़ करेंगे. सो ये था पूरा का पूरा हमारा डाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की. नाइट ड्रिंक में बहुत सारी मैंने टीज़ बताई थी उनको, बहुत सारे पाउडर्स बताए थे उनको, कभी फ्लैक्सीड का पाउडर हो गया, कभी कोकोनट ऑयल हो गया हमारे आधे कप गर्म पानी में मिक्स करके लेने की, कभी हमारा त्रिफला पाउडर हो गया, या फिर जीरा टी हो गया, अजवाइन टी हो गया, तेज पत्ता का टी हो गया. उसके अलावा मैंने उनको कई बार ऑलिव ऑयल भी दिया है, जैसे हाफ स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल आधा कप पानी में मिक्स करके. सो ये सारे वेरिएशंस को आप अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली लूज योर वेट अप टू 7 kilos और 8 kilos इन अ मंथ. बहुत ईजी है एंड उसके बाद आप अपने आप को मेनटेन भी करें इस तरीके की लाइफ स्टाइल को ऑप्ट करके आप मेनटेन कर सकते हैं एंड इट्स रियली वेरी ईजी. जिन जिन लोगों को लगता है PCOD में वेट लॉस करना इज अ टास्क, ट्राई दिस डाइट एंड डेफिनेटली यू विल लूज योर वेट. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल. सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टेक केयर जी, बाय बाय.